नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस महीने 2019 में, यानी अगस्त 2019 में, भारत और अमेरिका दो बहुत बड़े समझौते करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका पहले ही दो इससे पहले एक बड़े समझौते कर चुके हैं, जैसे कि लेमोआ और एक और था कोमकासा। उनमें थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी, कोई कहता था कि वो US के फेवर में है, भारत के फेवर में है, कोई कहता था। लेकिन जो ये दो समझौते हैं, एक का नाम है बैका और दूसरा है ISA, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्शर, ये दोनों ही भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो बड़ा समझौता है वो है बैका, क्योंकि देखिए जो ISA है उसका एक क्लोज साइन किया जाएगा। ISA ऑलरेडी साइन हो चुका है बस, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। तो इस वीडियो में बात करने वाले बेका क्या है। तो बेका है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एक तरह से भारत के हाथ में खजाना ही है। दोस्तों खजाना क्यों है, इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूं जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे हर नॉलेज के साथ। तो चलो दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका अगर किसी कंट्री को अपना ally बनाता है तो उसके साथ वो चार समझौते करता है। एक है ISA, दूसरा है बैका, तीसरा है लेमोआ और चौथा होता है कोमकासा। इनमें जो बैका होता है वो सबसे लास्ट में साइन किया जाता है, और भारत को बस ये एकमात्र साइन करना था। और ये साइन होते ही भारत जो US की डिफेंस पॉलिसी है उसका एक इंटेग्रल पार्ट बन जाएगा। तो इसके बारे में पूरी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बैका में क्या होता है कि जो USA और इंडिया है वो क्या करेंगे, जियो पोस्टल और जो सैटेलाइट डाटा है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो आप कहेंगे कि इसमें खजाने वाली क्या बात हो गई। आप देखिए, अब आपको जैसे कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप समझ जाएंगे कि क्यों ये भारत के लिए खजाने की बात। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि दुनिया भर में, पूरी दुनिया पर नज़र रखती है US की मिलिट्री सैटेलाइट्स। जी हाँ, भारत का भी एक सैटेलाइट प्रोग्राम है, लेकिन वो इतना उस लेवल का नहीं है। आपको मैं आपको रैंकिंग दिखा दूँ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने एक जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किस देश की कितनी सैटेलाइट्स हैं। इनमें US की है 830 सैटेलाइट, चाइना की है 280, रशिया की 147, और भारत की इसमें आती है सातवें नंबर पर सिर्फ 54। अब बताइए कि इससे क्या होगा कि भारत को एक्सेस मिलेगा US की 830 सैटेलाइट का दुनिया भर में जो है। भारत रिक्वेस्ट कर सकता है USA कि उसकी सैटेलाइट के डाटा का, जैसे कि आपको बताया कि जैसे कि डोकलाम हुआ, इसके अलावा दुनिया भर में जहां भी चाइनीज जो मिलिट्री बिल्डअप होगा, जैसे कि डोकलाम में हुआ या कहीं भी और भी होता है, तो US की जो सैटेलाइट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इक्विपमेंट के साथ तैनात रहती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा उनके पास रहता है, भारत उनसे वो ले सकता है। इसके अलावा उन्हें भी भारत की जो सैटेलाइट है उनका एक्सेस मिलेगा, लेकिन भारत की फिलहाल 54 ही सैटेलाइट है, उनकी 830 है। यानी कि अगर आप जो नंबर 2, 3, 4, 5 पे हैं, जैसे कि चाइना, रशिया और इसके अलावा जापान और यूरोप की यूनियन की भी, उन सब की भी मिला दे तो भी वो एक तरह से यूनाइटेड स्टेट के बराबर नहीं पहुँचती। और वह मिलिट्री सैटेलाइट है, बहुत ही हाई ग्रेड सैटेलाइट्स होती हैं वे, उनका डाटा। और आज की तारीख में ये कहा जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में कि डाटा ही सबसे बड़ा खजाना है, और भारत को ये मिल जाएगा ये डील साइन होते ही। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर चाइना भारत की तरफ मिलिट्री बिल्डअप करता है तो वो अपनी जितने भी जो ईस्टर्न कोस्ट की हैं, जो जापान की साइड की जो मिलिट्री है, उन्हें भारत की साइड भेजना शुरू कर देगा। भारत के पास फिलहाल उस टाइप की जो सैटेलाइट नहीं है जो इतने फार रेंज तक, इतनी दूर तक की, जो इतनी गहरी और इतनी सटीक जानकारी जुटा सके, जो एक एक चीज जो ज़मीन पर भारत की तरफ जा रही है। लेकिन मिलिट्री के जो USA की मिलिट्री है उसके पास हर तरह की, हर चीज़ की डाटा है, जिससे कि भारत एक तरह से अंदाजे भी लगा सकता है कि भारत की साइड कितनी मिलिट्री आ रही है चीन की, और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी भी कर सकता है। साथ ही IMF ये भी कहता है, दोस्तों एक डाटा और बता दूं आपको, कि दुनिया भर में जितने भी मिलिट्री सैटेलाइट हैं, यानी जो मिलिट्री यूज़ करती है, उसमें 50% से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की है, और भारत को उनका एक्सेस मिलेगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत को बिना कुछ पैसा खर्च किए डायरेक्ट कहीं से भी किसी भी चाइनीज़ मूवमेंट का पता लग जाएगा। नहीं तो भारत को अपना अलग से दुनिया भर में मिलिट्री प्रोग्राम, एक सैटेलाइट प्रोग्राम बिल्डअप करना पड़ता, उसमें बहुत सारा खर्चा हो सकता था, बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, क्योंकि मिलिट्री जो सैटेलाइट होते हैं उन्हें अनहैकेबल बनाया जाता है, जो हैक ना हो सके, उन्हें मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है दोस्तों, वे भारी भरकम सैटेलाइट होती हैं। साथ ही इसका फ़ायदा सिर्फ हमें पाकिस्तानी और भारत दोनों की क्यों होगा, क्योंकि देखिए भारत के पास फिलहाल जो 54 सैटेलाइट है उनमें कमी सैटेलाइट है जो मिलिट्री की सैटेलाइट है। हम अगर पाकिस्तान के लिए तो वे इनफ हैं, लेकिन चीन बहुत बड़ा देश है दोस्तों और बहुत ज़्यादा वास्ट फैला हुआ है, तो हमें उस पर नज़र रखनी है, तो हमें एक बहुत बड़ा सैटेलाइट प्रोग्राम चाहिए था।
लेकिन अगर इसकी मदद से अब हम हर जगह चीन पर नज़र रख सकते हैं, साथ ही और भी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो चीन के सपोर्ट करती हैं उन पर भी हम सख्त नज़र रख सकते हैं दुनिया भर में, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि यूएस का जो मिलिट्री प्रोग्राम है बहुत वास्ट है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस भी है, जो काफ़ी और लगातार वो बढ़ता ही रहता है। आप जानते हैं कि यूएस का जो फिलहाल मिलिट्री बजट है 600-700 बिलियन के पार जाता है वो, और भारत का और चीन का अगर दोनों का मिला दे तो वो 300 बिलियन पहुंचता है, लेकिन अमेरिका अकेला 700 बिलियन डॉलर का मिलिट्री बजट रखता है, तो वो बहुत ही हाई ग्रेड एक तरह से मिलिट्री प्रोग्राम बनाता है, जिसका भारत को फायदा मिलेगा। दूसरी बात, भारत को मिलिट्री के क्षेत्र में साथ ही दूसरे क्षेत्र में भी भारत एक तरीके से अलाई बन जाएगा अमेरिका का पूर्ण रूप से, जिससे कि भारत एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री जो ऑलरेडी था और ज़्यादा हो जाएगा अमेरिका के लिए, और अमेरिका हो जाएगा भारत के लिए, दोनों एक दूसरे के साथ एक तरीके से एक बंध जाएंगे इस एग्रीमेंट के तहत। इसके अलावा भारत कोमकासा और लेमो साइन कर चुका है, जिससे भी भारत को लेमो से ज़्यादा फायदा हुआ जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि लेमोआ क्या होता है कि दुनिया भर में जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं भारत के अमेरिका यूज़ कर सकता है और अमेरिका के भारत यूज़ कर सकता है, भारत के इतने ज़्यादा बेसिस नहीं है, जबकि अमेरिका के दुनिया भर में लगभग हर कॉन्टिनेंट पे हर जगह एक तरीके से बेसिस हैं जिन्हें भारत यूज़ कर सकता है किसी भी तरीके से, एयर बेसिस हो चाहे वो एक तरह से नेवल बेसिस हो। लेकिन बात करें कोमकासा की, थोड़ा अगर आप चाहें तो उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपको चाहिए उस पर डिस्कशन करें तो उस पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, खासकर लेमो, अगर आप लेमो चाहेंगे तो लेमो पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बेका में इतना ही, और कहा जा रहा है कि इस महीने के एंड तक ही साइन कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा एग्रीमेंट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ISA इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्नेस्चर, उसमें भी अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो उसके तहत क्या होगा कि जो यूएसए की कंपनियां हैं, पहले क्या था कि सिर्फ जो भी साइन हुआ था कि जो यूएसए की कंपनियां हैं, जो भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके साथ एक क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर कर सकेगी, साथ ही उनके साथ मिलकर कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट मिलकर बना सकेंगी। लेकिन अब क्या होगा, इसमें साइन के बाद अब वो प्राइवेट कंपनियों को भी एक तरीके से जो सीक्रेट होते हैं जो फाइटर जेट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी होती है उन्हें भी ट्रांसफ़र कर सकेगी। तो फिलहाल इसमें अगर आप चाहेंगे इन तीनों पर ही, ISA और जो लेमोआ और कोमकासा, इन तीनों पर भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके आप मुझे बता देना। तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कि क्या भारत को साइन करना चाहिए बेका, क्योंकि इससे भारत को 850 से भी ज़्यादा सेटेलाइट का जो मिलिट्री ग्रेड सेटेलाइट्स हैं उनमें उनका एक तरह से एक्सेस मिलता है, उसके बदले यूएसए को भारत की 54 सैटेलाइट का एक्सेस मिलता है, तो भारत के हक में ज़्यादा है या फिर यूएसए के हक में ज़्यादा है, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो वीडियो देखने के बाद फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।